राजस्थान 12 मांगरौल पुलिस अधीक्षक जिला 12 राजकुमार चौधरी ने बताया कि दिनांक 6/6/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम कोटा व 12 से समय 7:50 पर सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर HR05AQ2941 जिसमें कालू भड़क हिस्ट्री शीटर व उनके साथ ही कोटा शहर में फायरिंग कर तेज गति से नाकाबंदी तोड़ते हुए आयाना थाने की तरफ से मांगरौल की ओर जा रहे हैं। उक्त सूचना पर रामस्वरूप उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना मांगरौल में जाप्ता एवं हथियार सहित सीस वाली तिराहे पर नाकाबंदी हेतु रवाना हुए। साथ ही एक नाकाबंदी टीम थाने के सामने बमोरी तिराहे पर मजबूत बैरिकेड के साथ लगाई गई। थानाधिकारी मई नाकाबंदी जाप्ता के सीस वाली तिराहे पर जा रहे थे, तभी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सीस वाली तिराहे की तरफ से तेज गति से उक्त वाहन आ रहा था, जिसे हाथ का इशारा देकर रोकना चाहा तो उक्त वाहन ने सरकारी जीप को जोरदार टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। हाँ, मांगरौल में फायरिंग की घटना हुई थी। कोटा शहर में जो है कल शाम को फायरिंग करके बदमाश एक HR नंबर की व्हाइट स्कॉर्पियो लेकर के भाग करके आ रहे हैं, इस तरह की सूचना रेंज मुख्यालय से कोटा शहर से मिली। इसके अनुपालना में एक प्रभावी नाकाबंदी जिले में कई स्थानों पर करवाई गई। मांगरौल इलाके में भी ये नाकाबंदी चल रही थी और पिछले कुछ इलाकों से कोटा ग्रामीण के ये जो बदमाश थे, ये इस फायरिंग इन्होंने की वहां पर आते हुए नाकाबंदी तोड़ते हुए आए। हमारी दोहरी नाकाबंदी थी। पुलिस जो थानाधिकारी हैं रामस्वरूप मीना, उनकी गाड़ी को भी टक्कर लगी और थाने के बिल्कुल सामने जो है वो पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए जो दोनों बदमाश थे जो फायरिंग कर रहे थे, एक आपका कालू भड़क और दूसरा सत्यनारायण उर्फ हरिओम, इनको मैं स्कॉर्पियो कुछ हथियार और थोड़े एनडीपीएस की सामग्री के साथ में वहां पर पकड़ा। पुलिस के दो जवान हमारे विजय और राहुल, इनको भी चोटें लगी, हालांकि वो खतरे से बाहर है और बदले में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। तो एक प्रभावी नाकाबंदी के तहत इन बदमाशों को कल गिरफ्तार किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।